सो ही गाइस, ब्रह्मास्त्र मूवी ने अब तक का सबसे बड़ा इतिहास रच दिया है एडवांस बुकिंग को लेकर। आप लोग को बताऊं गाइस, इसकी बुकिंग 2 तारीख से यानी कल से शुरू हो गई थी और महज 1 घंटे में हैदराबाद में लगभग 30 लाख से भी ज्यादा के एडवांस बुकिंग हो गई थी, वो भी महज 1 घंटे में। और इसके अलावा दिल्ली NCR में भी मात्र 2 घंटे में 67 लाख की एडवांस बुकिंग हो गई थी। इसके अलावा और भी मुंबई, बेंगलुरु, इन सब जगहों से भी 10-10, 15-15 लाख की एडवांस बुकिंग हो गई थी। और ये सब दोस्तों बुकिंग स्टार्ट होने के महज 2-3 घंटे के बाद का कलेक्शन है। इसको टोटल मिलाया जाए तो 1 करोड़ से भी ज्यादा होता है। और इसके साथ ब्रह्मास्त्र मूवी ने अब तक सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। बट ये तो दोस्तों खाली कल का ही कलेक्शन था कि अभी की हम बात करें तो हैदराबाद दिल्ली NCR में तो थिएटर फुल हो चुके हैं, वो भी खाली 9 तारीख के नहीं बल्कि पूरे वीकेंड के। मतलब इस फिल्म को देखने के लिए लोगों की इतनी ज्यादा भगदड़ मच गई है कि अभी देखने के लिए सीट भी नहीं मिल रही है। ये देख सकते हो आप लोग हैदराबाद के सिनेमा घरों की हालत पूरे ही फुल हो चुके। बाकी जो सिटी जो थोड़े आउटसाइड में है उनमें ही थोड़ी सी सीटें बाकी है, जो मेन सिटी में है वो पूरे ही फुल हो चुके। इसके अलावा TR मेंबर सुरेश सिंह का कहना है कि भाई ये फिल्म हिंदी में महज एडवांस बुकिंग में कम से कम 20-25 करोड़ का कलेक्शन करेगी। इसके अलावा तेलुगु, तमिल, मलयालम और कन्नड़ इन चारों लैंग्वेज में भी 10-12 करोड़ का बिजनेस करेगी। इसके साथ एडवांस बुकिंग में ये खाली लगभग 35 करोड़ का बिजनेस करेगी इंडिया में। वहीं हम ओवरऑल की बात करें तो आंकड़ा 45 करोड़ तक जाने वाला है, जो कि काफी ज्यादा अमाउंट है। और इतने ही बड़े अमाउंट के साथ ये फिल्म सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी। हालांकि बायकॉट के चलते इसका थोड़ा बहुत नुकसान होगा, पर बायकॉट करने के बाद भी ये फिल्म काफी ज्यादा बिजनेस करेगी। खैर दोस्तों, ऐसे ही ब्रह्मास्त्र फिल्म और दूसरी अपकमिंग फिल्मों के बारे में अपडेट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना।